दोस्तों, कल की वीडियो हमने सैमसंग A20 के चार्जिंग जैक से रिलेटेड फॉल्ट को फाइंड किया था और उसके जैक को हमने निकालना सीखा था। और इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये इसका जैक जो है जल चुका था और मतलब जैक का इतना तगड़ा फॉल्ट था कि जैक में अंदर आग लग रही थी। तो कल जैक ना होने की वजह से इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैंने जैक तो काफ़ी टूटा, जैक नहीं मिला, लेकिन इसका पत्ता परचेज कर लिया है। तो पत्ते को हम लगाएंगे और चेक करेंगे कि चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर अभी ये कहीं से भी खुला नहीं है, इसे मैं कट करूँगा और यहाँ पर तब जाके इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम तो नहीं है, हाँ पूरा ढांचा एक सा है, लेकिन कुछ कुछ कंपोनेंट्स इसमें नहीं है। अब पता नहीं ये चलता है कि नहीं भाई, ओरिजिनल तो इसके कवर के बाहर भी लिखा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें जो आपको ओरिजिनल में मिलती हैं वो आपको कॉपी वर्जन पर नहीं मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से मैं इसको पकड़ता हूँ तब जाके यहाँ पर इसके, हाँ देखिए यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स हैं, इधर पे नहीं है, और यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर देखिए एक आईसी यहाँ पर रहती है और आपको यहाँ पर आईसी देखने को नहीं मिलती है। अब ये काम करेगा कि नहीं इसको हम अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर हम इसको लगा के चेक करेंगे। अगर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो इस जो जैक को हमने मतलब इस पत्ते को जो परचेज करा था इसका जैक निकाल के हमने उसमें लगा लेना पड़ेगा, बस इतना ही हमने काम करना है। सबसे पहले तो चलिए मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर किस तरीके से लगना है, हाँ इस तरीके से इसको हम रखते हैं। चलिए यहाँ पर एंटीना का जो ये देखिए कनेक्टर है इसको आप रखिए साइड पे, और बिल्कुल फिटिंग पे तो आ रहा है, बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर चलिए मैं एंटीना का ये फिट करता हूँ और यहाँ पर पत्ते दोनों लगा लेता हूँ। तो एंटीना का कनेक्टर लगाने के लिए आप यहाँ पर से कनेक्ट कर लीजिए, कहीं पर भी अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप इस पत्ते को मत लगाइएगा। जैसे कि आपको एयरफोन कोई आपका वर्क नहीं कर पा रहा, और जैसे कि आपका चार्जिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही, तो इस टाइप से कोई भी आपको समस्या ऐसी कोई देखने के लिए मिलती है तो आप इस पत्ते को हटा के इसका सिर्फ जैक निकाल के आप पुराने वाले पे लगा लेंगे, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी मुझे नहीं पता है किस तरीके से वर्क करेगा, तो हमें सिर्फ अभी जो कनेक्टर लगाने का काम है वही करना है, बाकी बाद में देखी रहेगी। तो यहाँ पर ये लग चुका है और एक पत्ता यहाँ पर हमारा लगना है इस तरीके से। तो फाइनली ये हम कनेक्ट कर चुके हैं। चलिए अब इसको हम टेस्ट करते हैं। चलिए बाकी तो हमने कुछ नहीं जोड़ना था, चलिए सबसे पहले इसको मैं चार्ज करके देख लेता हूँ। तो चलिए चार्जर को भी इसमें कनेक्ट कर लेता, तो वही वाला चार्जर करूँगा जो इसमें ऑलरेडी था। ठीक है, तो चलिए फिर वेट करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर चार्जिंग का लोगो आ चुका है, इसका मतलब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो चलिए वेट करते हैं और इसके बाद टेस्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल ओके है, और अभी तो 10% है, वो फास्ट चार्जर है। देखिए एक मिनट बाद देखेंगे कि कितना चार्ज हो चुका है। ठीक है, अभी पता नहीं चल पाएगा क्योंकि फास्ट चार्ज हो रहा है कि नहीं, ये आपको एक या डेढ़ मिनट बाद पता चलेगा। अभी 10% है, चलिए कुछ देर रुक के देखते हैं। लगभग आधा मिनट हो चुका है, मतलब ये चार्जिंग को उठा रहा है, अब कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी पैकिंग स्टार्ट करता हूँ, और स्पीकर वगैरह जो भी चेक करना होगा इसमें अभी चेक कर लूँगा। तो इसका मतलब ये चल रहा है भाई, जब कंपनी इस पत्ते को बना रही है तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा इसमें ऐसा कुछ ट्रिक लगाया होगा कि यहाँ पर ये डुप्लीकेट वाले पत्ते में भले वो कंपोनेंट नहीं दे रहे, बाईपास मेथड से इन्होंने वहाँ पर ट्रैक कंप्लीट किए होंगे। जैसे कि आपको एक मिनट में दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर देखिए इसके इसमें ट्रैक अलग से दिए गए हैं। देखिए डायरेक्ट ये आपका मेन पीसीबी तक ट्रैक जा रहे हैं इन पत्तों के माध्यम से होते हुए। ठीक है, इसमें अलग से बहुत सारे ट्रैक आप देख सकते हैं इसमें दिए हुए हैं, और इसमें ऐसे ट्रैक नहीं है, इसमें अलग से आईसी वगैरह दे दी हैं, इसलिए इसमें आपका जो पहले वर्क कर रहा था इसमें भी वर्क करेगा। ज़रूरी नहीं कि इसमें आईसी वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वर्क फिर भी आपका करेगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसको पैक कर लेता हूँ। सबसे पहले इसके पीछे के बैक पैनल को हमने इस तरीके से लगा लेना है। तो चलिए फिर बहुत ही सावधानी से लगाना, कोई चीज़ टूटे ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो फाइनली ये लग चुका है। अब यहाँ पर पावर का बटन एक बार प्रेस करके इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, ये ऑन हो चुका है।
जब तक ये ऑन होता है तब तक मैं जितने भी स्क्रू हैं वो सारे के सारे इसमें लगा लेता हूँ। तो दोस्तों जो भी इसमें प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार्जर को एक्सेप्ट भी कर रहा है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए चार्जर को एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पर साउंड भी अब प्रॉपरली इसमें आ रहा है, देखिए बिल्कुल ओके हो चुका है। तो वीडियो पसंद आई और कुछ सीखने की मिला हो तो लाइक करके शेयर जरूर करना। अब इसमें फाइनली मैं इसको पैक कर लूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसके बैक पैनल को सारे स्क्रू लगा के बैक पैनल को इस तरीके से हमने बैठा लेना है। और हाँ, इसमें जो फिंगरप्रिंट था उसको लगाना नहीं भूलना है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाने के बाद आप फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर फिंगरप्रिंट वर्क आपका करेगा। तो फाइनली फिंगरप्रिंट भी लग चुका है। अब बैक पैनल को इस तरीके से लगा लेंगे, अगर नहीं लग रहा है तो हल्का सा आप ग्लू वगैरह लगा के इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।